आज दिनांक 19 फरवरी 2023 को सीटू जिला कमेटी अनूपपुर का बैठक कॉमरेड रामू यादव के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में समिति के सदस्यों ने जिला एवं प्रदेश में श्रमिकों एवं किसानों के हालातों पर चिंता व्यक्त करते हुए निर्णय लिया कि 26 से 27 फरवरी को जिला चिकित्सालय के समक्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन के साथी गण अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय सामूहिक उपवास कर सरकार के किसान विरोधी, मजदूर विरोधी एवं कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्शन करेंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि दिनांक 3 मार्च 2023 को किसान एवं मजदूरों का संयुक्त कन्वेंशन बस स्टैंड जैथरी में दोपहर में किया जाएगा। कन्वेंशन में प्रमुख रूप से सीटू के प्रांतीय अध्यक्ष कॉमरेड रामविलास गोस्वामी एवं मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रांतीय महासचिव कॉमरेड अखिलेश यादव एवं उपाध्यक्ष कॉमरेड रामनारायण कुरारिया मार्गदर्शन के लिए मौजूद रहेंगे। कन्वेंशन में भाजपा सरकार के किसान, मजदूर, कर्मचारी एवं आम जनता के विरोध में बनाए जा रहे कानून एवं भारत के संविधान को उजारने वाली नीतियों के विषय में चर्चा की जाएगी। साथ ही 5 अप्रैल 2023 को किसान, मजदूर, खेत मजदूरों का दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन पर रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में कॉमरेड रामू यादव जिलाध्यक्ष सीटू, कॉमरेड इंद्रपति सिंह महासचिव सहित कॉमरेड जुगल किशोर राठौर, कॉमरेड एनआरडी पांडे, कॉमरेड सहसराम चौधरी, कॉमरेड अफसाना बेगम, कॉमरेड आशा राठौर, कॉमरेड अजमेट फिरदौस, कॉमरेड कुसुम यादव, कॉमरेड संगीता शुक्ला, कॉमरेड संगीता ध्रुवे, कॉमरेड गोमती परस्ते, कॉमरेड संध्या शुक्ला एवं अन्य समिति के सदस्य बैठक में मौजूद रहे। अनूपपुर जिले से लतीफ अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। नाम क्या है? मेरा नाम अफसाना बेगम, आंगनवाड़ी यूनियन की जिलाध्यक्ष हूँ। आप 26-27 को क्या करने वाली हैं? आपका यूनियन 26-27 को भूख हड़ताल पर बैठेंगे, 26 को बैठेंगे, 27 को हम लोग पूरे जिले में जनमत हड़ताल करके और हम लोग ज्ञापन देंगे माननीय कलेक्टर साहब को या SDM साहब, हम लोग भूख हड़ताल पर रहेंगे। इंद्रपति सिंह, सीटू जिला महासचिव। आप 3 मार्च को संयुक्त कन्वेंशन जतहरी में करने जा रहे हैं, उसके पीछे क्या आपका उद्देश्य है? उसमें हमारा जो किसानों के साथ और मजदूरों के साथ जिस तरीके से केंद्र में बैठी सरकार शोषण करी, हमारे किसानों के साथ जो वादा किए थे वो वादा खिलाफी करने काम की, और जहां मजदूरों का श्रम कानून में संशोधन करके उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने की योजना की जा रही है, उनको एक संगठित करके कन्वेंशन करके और 5 अप्रैल को हम लोग सांसद मार्च करेंगे और बड़ी ताकत के साथ उसको लेकर हमारी तैयारी की जाने की जनता भी प्लान।